और उसी फिल्म में आपने जौहर जौहर के साथ काम किया। आ, करन ने फ्री में काम किया? किया। ने तो में आपकी कास्टिंग थी वो? हाँ, वो सजेशन, सजेशन कहीं और से आया था लेकिन हाँ, मुझे लगा सही अच्छा है, है बाद में, समझ में आती। होने के बाद आप को परे रखता हूँ जब एक चीज जो है उसमें बहुत सारे लोग पढ़ते हो ना शेल कंपनीज बनते हैं

आ, लेकिन जो जानता हूं आप गूगल पे जाके अनुराग कश्यप इतने पैसे 720 करोड़ मेरा नेटवर्थ बताता है गूगल पे ये गूगल पे मेरा नेटवर्थ 720 करोड़ क्यों बताता है क्योंकि फैंटम और रिलायंस का जो कंबाइंड नेटवर्थ था मेरे सर पे डाला हुआ था मेरे सर कंधे से बंदूक चलाई जा रही थी उसके पीछे पचास लोग निकल लेते हैं पीछे से तो, तो आप आप ये भोले बलम बन के कैसे फंस जाते हैं कि आप कंधे बंदूक चला के है समझ में तब आया क्योंकि तो मीडिया और ये सारी चीजें कंट्रोल कैसे होती है और कौन करता है आप आ, 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 वो, स्पाइस मीडिया में इन्वेस्टर कौन है और फैंटम इन्वेस्टर कौन है और कॉमन कौन है एक ही आदमी है आपको सब पता चलता है फिर क्या होता है खबर वो जो आपको सप्लाई की जाती है आप तो सिर्फ सप्लाई को ही कवर ले लेते हो ना तो इन्वेस्टिगेट करो तो आपको सब पता जाएगा कहाँ क्या होता है